दोस्तों, लंका विजय के बाद राजा राम और माता सीता का राजाभिषेक होने के बाद उन्होंने हनुमान को एक मोतियों का माला उपहार में दिया। तभी हनुमान जी उस मोतियों की माला को अपने मुंह से तोड़ने लगे। ये सब देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। यही नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवी देवता भी ये देखकर आश्चर्य पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतना अमूल्य उपहार को बजरंगबली इस तरह से क्यों तोड़ रहे हैं। तो गाइस, क्या आप में से किसी को मालूम है कि बजरंगबली ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस, ये सब देखकर माता सीता को रहा नहीं गया और वो उनसे कहती है कि पुत्र हनुमान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह से तो तुम हमारे और स्वामी राम का अपमान कर रहे हो। तभी हनुमान जी कहते हैं, नहीं मैया, ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपने प्रभु श्री राम को इन मोतियों के माला में ढूंढ रहा हूँ। और मैया, इन मोतियों के माला में मेरे प्रभु श्री राम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल मैया, मेरे लिए तो वो सारी वस्तुएं बेकार है जिसमें मेरे प्रभु श्री राम न हो। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर ऐसा है तो क्या आपके शरीर के अंदर भी श्री राम का वास है? तभी हनुमान जी कहते हैं, जी लक्ष्मण भैया, अगर आपको विश्वास न हो तो ये मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ कि मेरे अंदर श्री राम का वास है। तो गाइस, हनुमान जी कैसे प्रमाणित करते हैं ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, हनुमान जी अपने आप को प्रमाणित करने के लिए सबके सामने अपनी छाती चीरते हैं और सबको दिखाते हैं, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु राम तो हमारे सामने स्थित हैं और हनुमान की छाती के अंदर भी। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।